अब देखिए, कोई मुसलमान जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कलमा पढ़े तो क्या आप कह सकती है कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी? नहीं सर, बेशक पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ये तो कलमे का मजाक उड़ाने वाली बात है। ये इस तरह से यानी जो है वो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वाला मामला है। अल्लाह के दीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को मुसलमान किया, उन्होंने काफरों को मुसलमान किया, ये मुसलमानों को जो है वो काफर कर रहे हैं। तो सर ये फिर सेटल, ये जन साहब पूछ रहे हैं, जन साहब पूछ रहे हैं कि फिर सेटल कैसे करेंगे इस इशू को? राणा साहब मेरी बात सुन लें। बात ये है कि वो जो बात थी अपना वजाहत वाली, जी जी, वो मैंने बाकायदा ख्वाजा साद रफीक साहब के यानी मशवरे से, वो अब इस मतबा जो उर्सता दाता साहब का, बिल्कुल उस वहां पे ये अमल हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि अब जब ख्वाजा साहब से बात हुई तो ये फरमा रहे हैं डॉक्टर अशरफ जलाली साहब कि जी मुझे तो आपने बीच में बुलाया नहीं, तुझे आपने मुझे बुलाया नहीं, आपने राणा साहब को मुझे भी बुलाना था। अच्छा अब बात ये है कि अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुझसे दोबारा पूछा कि अगर मैं उनसे आपको मिलाना या आपको उनसे मिलाना चाहूं, मैंने कहा देखे आपने मुझसे पूछ के ये बात की थी, इसलिए मैं आपका पाबंद हूं, मैं और किसी का पाबंद नहीं। तो वो इस बारे में उन्होंने ये मेरे साथ कल बात की है। ठीक है, तो देखे मैं अपने बयान की बुनियाद पे हर किस्म की वजाहत करने को तैयार हूं। यही तो वो चाह रहे हैं, यही मैंने भी कहा, यही एज पॉलिटिशियन एज मुसलमान हर अमल हर कौन हर गुफ्तगू की अगर किसी को अभाम है और अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो उसकी माजरत उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इस तरह से मैं यानी इस चीज को मजाक और ठठा बनाने को तैयार नहीं। ऐसे आप कह रहे हैं कि इसमें मजाक का एलिमेंट अगर आता है तो वो ये जो पीर असलामी साहब भी आपसे कह रहे हैं कि जी 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 अलामा साहब आसमा एक मिनट, मेरा मकसद कतई राणा साहब ये मजाक ये ठठा नहीं है या ये नहीं है कि आपको मैं कटहरे में खड़ा करके क्या हर मेरा जो मकसद था और है वो ये है कि एक बार जो है चूंकि आपकी वजाहत भी आपने की है वो भी पहुंची है, आपने खत्म नबूवत पर अपने ईमान का जिक्र भी किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि हालात के तनाजुर में मैं कलमा पढ़ लेता हूं, कलमा पढ़ने में तो कोई मसला नहीं है, आपको भी कोई नहीं है, किसी को भी कोई नहीं है, लेकिन ये मसला एक बार खत्म हो जाए, आज एक धरना देगा कल दूसरा फिर आ जाएगा, लेकिन वो ये कहने में मजाक इकट्ठा का एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें राणा साहब सुन ले कलमा पढ़ ले, सुन ले ना, अगर अपना ताहिर अशरफी साहब आप उनसे बात कर लें तो उनको बिठाएं मेरे सामने, जो वो अगर वो कलमा जो है वो उनको भी आता है, मुझे भी आता है। ठीक है, तो मामला ये है कि अगर ये बात है कि चलो अगर इस बात के ऊपर बात होती है तो वो बैठ के करने को तैयार है, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं आपकी बात को वो तस्लीम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपकी बात हुई है उनसे तो आप या उनसे कर लें, आप उसके बाद सर अब आपको हमारे प्लेटफॉर्म से दावत दे रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब दावत दे रहे हैं, अलामा ताहिर अशरफी साहब आप उनसे बात करें, मसालत का किरदार अदा करें और इस मसले को खत्म कराएं। मैं आसमान सीधी सी बात है, मैं समझता हूं कि मेरे समेत किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी मुसलमान को काफिर कहे या मुर्तद कहे, बिल्कुल किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाले को कादियानी कहे, बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि जलाली साहब माने या ना माने, कोई और माने या ना माने, एक एक चीज जिसको फैलाया जा रहा है उसको रोकने के लिए जरूरी है कि एक बार इसकी वजाहत हो जाए। सर उन्होंने कर दी ना, उन्होंने कहा आप बात कर लें, आप उसको ले आए अपने सामने बिठा लें, हम बात कर लें ना। जी जी सुन ले अशरफी साहब, मैंने जो वजाहत की है ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो दाता साहब, तीन, वो तीनों का मैं क्लिप आपको भेज देता हूँ, सुनने अगर उसमें कोई कमी बताइए वो भी मुझे बताएं, वो भी दूर कर। ठीक है, सही है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो वजाहत दे दी। आप चले, आप अशरफ जलाली साहब से बात कर लें, अलामा साहब आप उनसे बात करें, मौलाना साहब को बुलाएं। मेरा ख्याल है उनका इस
اس معاملے میں رانا صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ ان کا مقصد صرف رانا ثناء اللہ صاحب کا کلمہ نہیں ہے, اب تو وہ اور بھی بہت کچھ ان سے مانگ رہے ہیں جو لمبا ہوگا, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے یہ سارا وہی کیس ہوگا اس ملک میں ایسے ہی ہوگا کھڑے کر کے پوچھا جائے گا جی. میں سارے کھیل میں جو خرابی سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک فیصلہ جو آج آپ کر رہے ہیں وہ بر وقت اگر کر لیا جاتا تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. اب بھی رانا صاحب بھی اگر اس معاملے کو جتنا جلدی سیٹل کر لیں تو دھرنا ختم ہو جائے تو وہ بہتر ہے, ورنہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں ان کے مطالبات کی لسٹ پیرس کی وہ لمبی ہوتی جائے بڑھتی جائے گی اور وہ پھر نیچرلی وہ پورے کرنے مشکل ہو جائے. آپ کے فوجی حضرات آ جائیں گے بات تو سن لیں گے نا, یہ بھی نہیں فوجی حضرات کی بھی بات نہیں, فوج کی بات کیوں مانی ہے, حکومت مانی نہیں ہے, مانی نہیں ہے, وہ بھی سارا ایک عوام کریٹ کیا ہوا ہے, میں نے سارا پتا کیا اس کی تقدیر, جس شخص نے یہ نیگوشیٹ کیا میں نے اس سے سارے ڈسکس کیا, وہ کہتا ہے جی ہماری بھی بات وہ سننے کو, ان کو تو بالکل وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے حکومت کی, وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار